वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग आ रहे थे यहाँ पर शहडोल में, अभी बना है एशिया का सबसे बड़ा क्लाइंबिंग वॉल, ऐसा हम लोग नेट में सर्च किए थे तब मिला है, और नेट में सर्च करने से भी उतना अच्छे से नहीं पता चल रहा है। तो गाइस वो रहा, वहाँ पास रहा क्लाइंबिंग वॉल, और हम लोग को उसको ढूंढने में इतनी दिक्कत लगी कि हम लोग वहीं से घूम के यहाँ पास आए और यहाँ से हम लोग को दिखा। और इधर पास है गाइस कोयल माइंस, ये कोल माइंस है, आपको कभी यहाँ कभी वीडियो हम दिखाएंगे। और गाइस आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको हैप्पी क्रिस जन्माष्टमी। और हम लोग सोचे कि अभी यहाँ पास आए हैं तो यहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाते हैं, और फिर रात में जब हम लोग कहीं जाएंगे घूमने तो वहाँ का भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो अभी वीडियो आएगा तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग कहाँ आ गए हैं, ये क्लाइंबिंग वॉल ढूंढने के चक्कर में। गाइस इधर ये सामने जो एक बार एक वीडियो देखे थे हम लोग, जिससे ड्रोन से शूट हुआ था, तो हम लोग को अंदाजा था जो कहाँ मेघा, मतलब ये कोल माइंस सामने है। तो इसी तरह हम लोग घूमते घूमते पूरा जंगल होते बीच बीच होते होते आए हैं, तो बीच में क्या है जो ये सामने यहाँ पास नदी है, हम लोग यहाँ से इस तरफ से नहीं जा सकते हैं, उधर ही से अब जाएंगे, उधर से फिर देखते हैं कैसे जाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। और गाइस अब अपन वहाँ चलते हैं, और ये वाला वीडियो में सिर्फ आपको हम लोग रास्ता दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ का ब्लॉग मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जिस रास्ते से अभी हम लोग आ रहे हैं, उधर से आपको कोल माइंस से ऐसा मिलेगा कुछ देखने को, हमको रास्ता का नाम नहीं पता, ना भैया जी को पता है इसलिए। और गाइस अगर आप मुंडा नदी था गाइस, अगर आप ये रास्ते से आएंगे मुंडा नदी वाले रास्ते से, तो यहाँ पर से सामने से आपको कोल माइंस मिलेगा, ये विचारपुर कोल माइंस। गाइस भैया जी स्कूटी चला रहे हैं इसलिए आपको हिलना डुलना वीडियो मिल रहा है, और रास्ता भी यहाँ के कुछ खराब है देख लीजिए। और गाइस देखिए यहाँ पास कितना ज्यादा पानी है, बारिश का पानी है। गाइस अभी अपन चलते हैं क्लाइंबिंग वॉल, देखिए पीछे कोल माइंस रहा, और इधर पास भी कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सामान वामान है, ये कोल माइंस का भैया जी ये सब। तो गाइस यहाँ पास सब कुछ कोल माइंस का है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कंपनी है ना, ये TMC कंपनी का ये सामने है, यहाँ 3-4 तो कंपनी है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवाती है, तो ये सब ये TMC कंपनी का है, यहाँ से ये ट्रक पूरा लगा हुआ है, यहाँ से कोयला लोड होके जाता होगा, जहाँ जा रहा है जहाँ भेजते हैं वहाँ जाता होगा। के रास्ते आएंगे तो ये सीधा खोलहार चला जाएगा, ये रोड सीधा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है खोलहार, और इसके पीछे ये यहाँ मुड़ जाएंगे तो ये गाइस हम लोग इतने गरीब है, हम लोग की स्कूटी में तेल नहीं है ना भैया जी, क्लाइंबिंग वॉल को ढूंढने के चक्कर में तेल में हम लोग का खत्म हो गया है, अब लगता है पैदल जाना पड़ेगा। नहीं पैदल तो नहीं जाएंगे क्योंकि पास ही में है विचारपुर का पेट्रोल पंप। गाइस देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है, और ये सब अभी वहीं जा रही है कोल माइंस। गाइस देखिए अंकल जी गाय बकरी लेके जा रहे हैं, और यहाँ पास अपन को आ जाता है अब एक नदी, मुंडा नदी, यही है ना मुंडा नदी। गाइस ये देखिए कितनी प्यारी छोटी सी है, कुत्ता से सावधान, और हम लोग यहाँ पास आए हैं कोई पता करने, लेकिन हम लोग को यहाँ पास कोई नहीं मिला। और गाइस ये जो है ना अंदर में पूरा नर्सरी है, गार्डनिंग वार्डनिंग है विचारपुर में, और अभी हम लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर तो नहीं, हम भाई अपनी स्कूटी उठा के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को कोई कुछ मिला ही नहीं पूछने के लिए। इस जन्म में नहीं जा पाएंगे क्या भैया जी अपन, पहले चलो पेट्रोल पहले डलाते हैं फिर इधर जाएंगे। गाइस हम लोग इधर जंगल में घुस गए हैं क्योंकि जा रहे पेट्रोल डलवाने, और गाइस यहाँ पास देखिए गर्मी से डॉगी लोग बेचारे कितनी ज्यादा ज्यादा पानी में घुस के बैठे हैं, गर्मी गाइस इतनी गर्मी है यहाँ पास शहडोल में, ये पूरा सफेदी का इधर पेड़ है मेगा। गाइस इधर पूरा लिपस्टिक लगाने वाला होता है, ये सफेदी का पेड़, लिप्टिस का पेड़ है गाइस, लिप्टिस। ये कितना सुंदर व्यू आ रहा है गाइस, कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पास।
पानी आने वाला है। भागो। हम लोग शॉर्टकट रास्ता लिए हैं अपने साइड जहाँ हम लोग का काम चलता है, तो वही होके जा रहे हैं। अब सामने देखिए, अभी दिखा रहे हैं कितना शॉर्टकट हम लोग ले लिए हैं। डायरेक्ट उतना गोल नहीं घूम के डायरेक्ट यहाँ आ गए। ये देखिए तो उधर साइड है पापा जी का। हम लोग का वही तो बता रहे हैं जो यहाँ हम लोग का काम चलता है। यहाँ आज शायद छुट्टी हो, नहीं चल रहा है काम, हम नहीं आए हैं आज क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है। ओह माय गॉड, भैया का तबीयत खराब हो गया गाइस। दो साल में तो तबीयत गाइस भैया का तबीयत खराब हो गया। ओह माय गॉड, ये सामने हम लोग का काम चल रहा है, आ रहे हैं आपको अब हो गया। गाइस हम लोग शॉर्टकट होके इधर से मुड़ के आए हैं और अभी ये सीधा रोड शेडोल से आता है। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? पचगांव जाता है ये, सीधा जाओगे ना आगे तो पचगांव कंकाली मंदिर केलवनिया चला जाएगा। तो गाइस, तो फ्रेंड्स अभी अपन जिस रोड में जा रहे हैं, अभी हम लोग शेडोल से नहीं आके अपन लोग आए विचारपुर से और अभी विचारपुर में ही है। और इधर से आप सीधे जाएंगे तो आगे पेट्रोल पंप है और कंकाली मंदिर मिलता है आपको, केलवनिया, ये सब जाने का रास्ता है गाइस इधर से। और गाइस अभी कुछ दिनों से भैया को बुखार है, क्यों भैया जी? तो गाइस भैया को कल से बुखार है, हमको देख लीजिए आईने में, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, आधा ही चेहरा दिख रहा है। और मौसम हो चुका है बारिश का, बारिश शुरू हुई गाइस, बारिश शुरू। और बहुत डर लग रहा है कि अब फोन बिक जाएगा और आप लोग के लिए हम लोग वीडियो कैसे बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी अपन चलते पेट्रोल डलवाने। और यहाँ पर देखिए ये जो फूल का पेड़ आपको दिख रहा होगा वाईफाई, यहाँ पर कोई पूजा होता है तो उसमें ये यूज होता है। और हम लोग आ गए पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप बहुत भीड़ है भैया। तो दोस्तों ये अभी आप लोग को एक चीज दिखा रहे हैं, ये रहा पत्थर, ये उठाए और ये देखिए ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए मेघा क्या दिखा रही है। ऐसा आ गया हम लोग का समय, व्लॉगिंग करते करते इतना हम लोग खो जाते हैं। कभी कोई कर रहा होगा कहीं आसपास पुट्टी तो लेके दौड़ जाइएगा, तो देखिए पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी कर रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी उधर खड़ा वाला रास्ता है, वहाँ से आप लोग इधर दाहिना घूम जाइएगा, दाहिना घूमने के बाद इधर ये सीधा यहाँ से मुड़ना है, इधर जाना है, तो मैप में हम डाल देंगे। तो गाइस सचिन भैया ना आपके लिए रास्ता आसान कर देंगे और मैप में डिस्क्रिप्शन में रास्ता डाल देंगे, तो आप आ सकते हैं यहाँ। और अभी हम लोग कहाँ, जंगलों के बीच में है, वैसे कंफर्म नहीं है हम लोग जो कहाँ पास है पूरा वो बना हुआ, अंदाज से जा रहे हैं। उस तरफ से देखे थे आप लोग को, दिखाए थे नदी के उस पार कोल माइन के बगल से, तो इधर दिखा रहा था, वही अंदाजा लगा के बस जा रहे हैं ये रहा। और गाइस यहाँ पर अगल बगल ऐसा पेड़ है ना, मतलब हमको डर सा लग रहा है कोई चोर वोर का भैया जी। इधर आए दिन होते रहता है घटना, आप लोग अगर कभी आए तो कोशिश करें जो अकेले नहीं आए, हम तो आ गए क्योंकि हम इधर रहते ही हैं, इधर हम लोग का चार चार जगह काम चलते रहता है, तो हम लोग मतलब एक तरह से दिन भर और आधी रात इधर ही रहते हैं, तो हम लोग दमे हुए हैं जो कहाँ क्या है कैसे है ये सब पूरा जानते हैं इधर का माहौल, तो इस वजह से हम आ गए हैं मेघा को लेके अकेले, लेकिन आप लोग अकेले ना आए यही हमारा रहेगा। ये सामने वो है गाइस, बादल की आवाज सुनिए गरजने की, कैसी आवाज आ रही है, मतलब बारिश बहुत तेज आने वाली है। क्रिस जिन के साथ, क्रिस जिन जब हुए थे तब भी बारिश हुई थी और अब भी बारिश हो रही ना भैया जी। तो क्रिस जी का आज रात में ना होगा ना? हाँ 12 बजे। हाँ तो बारिश तो थोड़ा ना थोड़ा होना जरूरी है, ऐसा बोलते है सब। कहाँ आ गए आप गाइस? हम लोग रास्ता ही बचा कर, समझ नहीं आ रहा कहाँ कब पहुँच रहे हैं।
इतना अंदर भी नहीं बनाया भी है तो मैप लोकेशन रास्ता देना चाहिए जैसे लोग आ सकते। पत्थर हमारे स्कूटी में लगा, हम लोग ऐसा डर गए, बाप रे क्या हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये तो रास्ता नहीं हो सकता है। नहीं पता कैसे कहाँ लिया है भैया, हमको बहुत डर लग रहा है। हाँ बस यही कहीं है, बस यही कहीं है, ये है ना, यही कहीं हम देखे हैं। नहीं है, हम लोग गलत आ गए हैं, सोचने के चक्कर है। गाइस हम लोग को मिल गया और यहाँ पास पानी है, बगल हम बोले थे ना भैया जी, उसके बगल से नदी है और उधर कोल माइंस रहा। गाइस देखिए, ओ माय गॉड कितना काला पानी है इसका। तो ध्यान देते नहीं, कंपनी वाला को कहा अपना प्रॉफिट चाहिए, भले अब यहाँ गाय हो जानवर हो ये सब पानी पी के मरे। गाइस यहाँ रहा ये क्लाइंबिंग वॉल, तो अब अपन आगे कैसे जाए। गाइस हम लोग को ना यहाँ पास अभी बहुत डर लग रहा है, इसलिए अगर हम लोग कुछ उठपुटांग बोल दें तो उसको उतना ध्यान मत। तो गाइस यहाँ पास छात्रावास के सामने और इसको बोला गया है एशिया का सबसे बड़ा क्लाइंबिंग वॉल। गाइस ये देखिए यहाँ पास पूरा काला पानी है, भैया दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सामने दिखा रहे हैं, ये है क्लाइंबिंग वॉल। ये करीब कितना फीट होगा ये बाहर से तो नहीं अंदाजा लगा सकते, इसके बारे में कितना फीट है बता देंगे। ये देखिए बाहर से आपको इधर दिखा रहे हैं, सामने ज्ञानोदय छात्रावास भी है और स्कूल भी है, ज्ञानोदय का ही है। और गाइस यहाँ पास आप देखिए कितना बारिश आ रहा है तेज, वहाँ पास उधर चले गए थे हम लोग आगे। सामने ये देखिए, ये कोल माइन से सामने ये नदी गया है दोस्त, रास्ता बिना जाने होने इसलिए भैया ऐसे डर रहे हैं। और अभी आपको हम दिखाए तो गाइस उधर देखिए पूरा बारिश का मौसम है। और हम लोग अभी एक भैया लोग से पूछ के यहाँ पास आए, उनके बगल में था, उनको पता भी नहीं है। गाइस इसका मेन गेट वो रहा। तो गाइस इसका मेन गेट भी अब उनको मिल गया तो चलना चाहिए। और ये सामने है ज्ञानोदय का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल भी है। गाइस हमारे शहर में ज्ञानोदय के बहुत ही स्कूल है। गाइस देखिए हम लोग कहाँ कहाँ से घुस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गाइस ये एशिया का सबसे बड़ा क्लाइंबिंग वॉल जिसको बोल रहे हैं हम लोग शहडोल में, और न्यूज में भी आया था कि शहडोल में सबसे बड़ा एशिया का क्लाइंबिंग वॉल है। और यहाँ पास गाइस रास्ता लोकेशन किसी चीज के कुछ पता नहीं है। ये देखिए इतना अंदर बनाए हैं, ना मैप में डाले हुए हैं ना कहीं कुछ, और बड़ी बड़ी बात करते। ये देखिए दोस्तों, ये है एशिया का सबसे बड़ा, ना रोड का पता है और ना कुछ भी पता है। इससे आगे का वीडियो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा, आई बटन में।